वास्तु के अनुसार बाथरूम और टॉयलेट। आमतौर पर बाथरूम और शौचालय घर में सबसे उपेक्षित स्थान है, जिसके बारे में कोई परवाह नहीं करता है, लेकिन इनके स्थान का चुनाव करते वक्त ध्यान देने की भी जरूरत है, क्योंकि वे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आदर्श रूप से बाथरूम और शौचालय का निर्माण अलग अलग किया जाना चाहिए, लेकिन आजकल स्थान की कमी के कारण ये एक दूसरे के साथ संलग्न रूप में बनाया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने आपके सपनों के घर के लिए बाथरूम और शौचालय के वास्तु के बारे में कुछ सुझावों का सारांश दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और भाग्यशाली टोटके आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वास्तु के हिसाब से बाथरूम का एंट्रेंस, शौचालय और बाथरूम का दरवाजा पूर्व या उत्तर की दीवार पर होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से बाथरूम में मिरर को उत्तरी या पूर्वी दीवार में लगाया जा सकता है। यदि उत्तर और पूर्व की दीवारों पर दर्पण लगाया गया है तो उत्तर से लगातार प्रकाश और पूर्व से सुबह की धूप हमें अपने चेहरे पर गिर जाएगी, क्योंकि हम आईने में देखते हैं, जिससे हम अपने आप को बेहतर देखने में सक्षम हो जाते हैं। वास्तु के हिसाब से बाथरूम में शॉवर, धुंधला वॉश बेसिन, बाथटब, नल और शॉवर को उत्तर पूर्व की तरफ में होना चाहिए। पहले के दिनों में धोने और स्नान के लिए बाथरूम के नजदीक या सीधे बाथरूम के ऊपर संग्रहित किया जाता था, क्योंकि जब कोई विस्तृत नलसाजी व्यवस्था नहीं थी, जिसमें पानी पूरे घर में सिर्फ एक पानी के टैंक से वितरित किया जाता था, इसीलिए ये उत्तर पूर्व में जल स्त्रोत्र को बेहतर माना गया है, जहां पर सूरज की फायदेमंद यूवी किरणें पानी को शुद्ध करती हैं। वास्तु के हिसाब से बाथरूम में गीजर और अन्य विद्युत उपकरणों जैसे हीटर और स्विच बोर्ड को बाथरूम के दक्षिण पूर्व कोने में स्थापित किया जाना चाहिए। बाथटब में सिर की स्थिति दक्षिण की ओर होनी चाहिए। मानव शरीर उत्तरी ध्रुव के रूप में सिर के साथ एक चुंबक की तरह कार्य करता है, इसीलिए उत्तर दिशा में सिर के साथ लेटते हुए दो उत्तर ध्रुवों को एक दूसरे को पीछे हटाना पड़ेगा और इसीलिए बेचैनी की भावना पैदा हो जाएगी। वास्तु के हिसाब से बाथरूम का कलर, बाथरूम और शौचालय के लिए हल्के रंग को प्राथमिकता दें, जैसे कि सफेद, आसमान नीला और हल्का नीला, ये बाथरूम को एक नया रूप देने में मदद करता है। काले या लाल जैसे अंधेरे रंगों से बचे, लाइट रंगों से एक स्थान को बेहतर और बड़ा दिखाई देता है। डार्क रंगों में किसी भी खतरनाक कीड़े या जानवरों को ध्यान पूर्वक नहीं देखा जा सकता, जो बाथरूम में फर्श की छल के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा गंदे फर्श के किनारे पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता है, अगर गहरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है तो। बाथरूम में फर्श का ढलान पूर्व या उत्तर दिशा की ओर व बाल्टी का रंग नीला होना चाहिए, क्योंकि नीला रंग खुशी और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तुशास्त्र में नीले रंग काफी महत्वपूर्ण रंग है। अपने शौचालय में एक नीली बाल्टी रखना फायदेमंद होगा। बस हर समय स्वच्छ पानी से भरा बाल्टी रखने के लिए याद रखे, ऐसा करने से परिवार के सामंजस्य संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वास्तु के अनुसार बाथरूम और टॉयलेट के बारे में। अगर आप इस विषय में अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक टोटके के साथ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और भाग्यशाली टोटकों से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।